प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनाव प्रचार किए गए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर महिला अत्याचार के कई गंभीर आरोप किए गए हैं। इस मामले में किसी भी महिला द्वारा शिकायत न किए जाने का कारण दे महिला आयोग द्वारा कोई भी कार्यवाही न करने की बात की गई। इस विषय पर वडेट्टीवार ने बयान देते हुए कहा कि कोई भी महिला खुद पर अत्याचार हुआ है यह बात सामने आकर कैसे कहेगी, खुद आयोग ने मामले पर संज्ञान लेकर कार्यवाही करना चाहिए, यह वडेट्टीवार ने मांग की है। वो वीडियो भेज दिया गया है जिस महिला के साथ में असलाज्ञा अश्लील व्यवहार ये प्रज्वल रेवन्ना ने किया है, यही पुरावा होता है। कोई औरत अपने हर औरत महिला अपने इज्जत के लिए डरती है, अपने नाम के लिए डरती है। बहुत सारे कभी कभी अत्याचार नाम को बदनाम न होने के लिए भी औरतें सहन करती है, ये उनकी सहनता का एक मर्यादा होती है, इसीलिए वो सहन करती है। जब यह स्थिति सामने आई हो सकता है और महिलाएं आएंगी, पर जिनके पास में इतना बड़ा मटेरियल सब कुछ दिया है, 500 से हजार महिला का उन्होंने जो उनके साथ में जो अभद्र व्यवहार किया है या व्यभिचार किया है, तो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए उसको लेकर। अब तुमने बृजभूषण सिंह को महिला पहलवानों का अत्याचार करने वालों को बचाया, उसके ऊपर FIR दाखिल नहीं हुई, खुद बोल रहे थे कि हमारे साथ में ये खासदार भारतीय जनता पक्ष का, इन्होंने हमारा शोषण किया, 50 दिन हक मांगते हुए रोते हुए बैठे थे, तब इनको बेशर्मों को थोड़ी शर्म नहीं आई, अब ऐसी बात कर रहे हैं। और उससे हद हो गई, उसके बच्चों को भी टिकट देने का काम किया गया, तो ये तो महिला की सम्मान की बात कहाँ है, ये पूरा हिंदुस्तान देखता है, इसलिए इसको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई की आवश्यकता है। हर कोई महिला ने यह सोच कर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा ही मेरा उनका सलाह है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।